मैं अजय श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको न्यू एज टीचिंग टेक्निक से संबंधित हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के नवाचारी शिक्षक द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है बिग बॉस हाउस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चों को अक्सर अगर आप खेल खेल में कुछ पढ़ाते हैं तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है और उस कार्य को करने में उनको मज़ा भी आता है। तो इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को खेल खेल के माध्यम से ही हम सिखाते हैं और बहुत सारे ऐसे टास्क देते हैं जिससे वो समुदाय के साथ जुड़ पाते हैं और बहुत सारी नॉलेज भी उनसे ले पाते हैं। तो इस गतिविधि को क्रियान्वित करने के लिए आपको आवश्यकता होती है सबसे पहले कार्डबोर्ड, चार्ट पेपर, स्केच पेन और गोंद की। ये गतिविधि आप कक्षा 4 से 8 तक के किसी भी बच्चे क्लास में कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आपको बताते हैं, इस गतिविधि को क्रियान्वित कैसे करना होता है। सबसे पहले कार्डबोर्ड की सहायता से एक बिग बॉस हाउस तैयार किया जाता है और चार्ट पेपर पे बिग बॉस द्वारा शिक्षक द्वारा लिखित चीज़ें लिख दी जाती हैं। यानी कि आप बच्चों को संदेश लिखना है तो उस चार्ट पे लिख के लगा दिया जाता है। बच्चे अपने कोई भी टास्क को बिग बॉस की चार्ट पे देखते हैं और उसको करने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो वेस्ट मटेरियल भी स्टार्ट जमा करना शुरू कर देते हैं या फिर पेन कागज़ के उपयोग से वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो आइए हम जानते हैं किस तरह के टास्क बिग बॉस के चार्ट पे मिलते हैं। जैसे कि पहला टास्क होता है, शिक्षक ने दिया कि पता करो समुदाय में पशुपालन कैसे किया जा रहा है। तो बच्चों का जो ग्रुप होता है कक्षा के अंदर जो ग्रुप है वो बढ़ जाते हैं और ग्रुप के अकॉर्डिंग बच्चे पता करते हैं कि पशुपालन में क्या क्या होता है, पशुपालन में वो क्या आहार खिलाते हैं पशुओं को और एक दिन में कितना दूध उनको गाय से या भैंस से या जो भी पशु हैं उनसे मिल जाता है। आगे इसके अलावा वो चिपको आंदोलन बच्चों को दिया जाता है कि बेटा पढ़ाई के साथ साथ अपने आस पास के वातावरण का भी ख्याल रखना है, इस पृथ्वी का भी ख्याल रखना है। तो पढ़ाई के बाद एक पेड़ या पौधा लगाना है, आपको पौधा लगाना है, उसको पानी डालना है, उसका ख्याल रखना है, ये जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। या फिर टास्क दिया जाता है फॉरेस्ट विजिट का, शिक्षक खुद से बच्चों को पिकनिक पे ले जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ आसपास जो भी तुम्हें दिखता है, जो भी तुम्हें पौधे दिख रहे हैं या फिर जो भी जड़ी बूटी दिख रही है उसके बारे में कॉपी पेन से लिखते रहना, उनको देखते रहना, तवज्जो देना, हर एक चीज़ को अच्छे से सीखना। तो बच्चे ये भी सीखते रहते हैं। या फिर कृषि के बारे में जानकारी, एक टास्क है बिग बॉस ने फिर से दे दिया कि कृषि के बारे में जानकारी करना है। तो आसपास समुदाय से या मक्के के बीज जो होते हैं उनके बारे में जानकारी बच्चे लेते रहते हैं, कृषि के बारे में जानकारी लेते रहते हैं, खाद के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों का मोराल बूस्ट होता है और वो खेल खेल के माध्यम से बहुत सारी गतिविधि करते रहते हैं। तो हम आशा करते हैं इस नवाचार को आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करेंगे। ऐसे कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIEI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो ZIIEI के Facebook पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।